और फातिमा कौन है? पूरे बतूल इकबाल ला फातिमा का बेटा, फातिमा बताते खुद की है। ए हदीस है दफर कंगाल रसूला दी होर बच्चियां दी, मगर अपने अपने घर हजूर नूं जदों को औखा वक्त आया की दस दी बुखारी से कौन आउंदी रही उसे सही बुखारी दे अंदर तुसीं पहली जल्द पढ़ो रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों खाने काबे दे कोल नमाज पढ़ रहे सी, जालम बैठे सी कुरैश दे सरदार हैं, उन्होंने जालम ने उसे अबू जाल ने आख्या यार अज तमाशा वेखना कोई बंदा जाए। यह 240 नंबर हदीस है किताब उल वजू पहली जल्द फतुल बारी। रावी बयान करता हद्दसनी अमर बिन मैमून अन अब्दुल्लाह बिन मसूद हद्दस, यह वाकया मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी ने सुनाया। और अब्दुल्ला बेचारे आप माड़े से जान लुका के बैठे हजूर का दिफा करना, मैं उस वे कुर्दा सी हूँ मैं की करा हजूर मगर बेबसी। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यसल्ली इंदल बैत, रसूल करीम अलैहि सलाम काबे दे कोल नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल असाबुल जुलूस अबू जहल बैठा सी नाल ही बहुत सारे साथी बैठे। इस कार बाद उमले बाद नहीं यो कमी जियो बसला जजूर बनी फुरान फजादा वाला अजहर मोहम्मद ने साजा ऐथो तक कमीन की कहन लगे एक दूसरे नूं भी कौन है जरा जावे ते फलाने कबीले तक अज एक ऊंट जबा होया ओदी ओजड़ी पई उत्थे गंदी पड़ी ओजड़ी चुके लियावे ते जदों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजा भी वर उम्मी रूही सईदे जायते दे उत्ते रह तुम बस अशकल कौम सारे चो हरामजादा जरा सी बदबख्त उठा फजा भी ओजड़ी लैन किडे सरदार होंदे आ किडी कमीनगी कर रहे ओजड़ी चुके लियाउंदिया रसूला दे वैरी हजरत इब्ने मसूद फरमाउंदे आ वेखदे रहे जदों हजूर सजदे गया आपकी पुछते रख दिता कंधियां दरम्यान कि मैं वेखदा सी ला उनी छाया मगर मैं कर कुछ नहीं सकदा मैं तो आप जान लुका के उन्हां काफरां दा बैठा मैं हजूर दी मदद की करदा। हत्ता दात फातिमा ये किसी ने जाके कर हजरत फातिमा नूं दस्सिया है। दूसरे पासे इमाम ने दी शराज फिर लिखा हुआ है जवैरिया दूसरी रवायत आता कि है उससे छोटिया बच्चियां अकबर तसा वो फिर अब्बे की गल सुन के दौड़िया आईया घरों दौड़िया आईया बस आप बदन नबी सरफम साजदन अल्लाह का रसूल सजदन सिर नहीं चुक सके एडा बदनी बोझ हजूर उस तरह सजदे पैर पता रहा तन दह रही। हजरत फातिमा ने आके फिर अब्बे की पुश्त ओझड़ी लाए फराफा रासाऊ फिर हजूर ने सर मुबारक उठाया सुम्मा काला बाद आपने फिर दुआ मंगी अल्लाह मलाइका बिकुरै सलाफा मल ए कई जाहिल अनपढ़ ना दीन दी को हजूर ने बददुआ नहीं की कितनी रहमक दी पुणे दी गल्लां इन्नियां बददुआवां हजूर ने कीतियां कदी इन्हां ते लानत दी कदी इन्हां दी कबरां जिहड़ी अग ना भरदी जिहदा अंदाज़ा कोई सोचना यह चाहिए भी रसूल की नाराजगी है रसूल का प्यार अल्लाह दे ताबे है जदों अल्लाह नाराज हो जांदा नबी नूं कह दिंदा जिवें नूह अलैहि सलाम नूं कहा कह दे जमीन ते कोई ना रवे वो अल्लाह के इशारे ना कहता वो बद बदवा नहीं उन्होंने कहना चाहिए अभी समझाने लिए कहने ना वरना एन ठीक दुआ होंगी वो जालम इसे लैक होंगे खत्म करते जान और जिन्होंने रहमत की दुआ करता वह भी लैक होंगे। तो रसूला ने तीन बारी फरमाया ए अल्लाह इन्हों कुरैश ना निबट ऐसा इन्हों आजाब नाजल कर इन्होंने फड़ तीन बारी फशक्का ने इस दालन तो जदों हजूर ने दुआ की फिर पैरों थलों मिट्टी निकल गई जानते सच्चा कंब गए काला वकानू ईरान दावत ही दाल कर बल मुसजाबा ये ईमान उन्हों का भी सी मक्के की दुआ जी रद्द नहीं होंगी ये तो हम बेड़ा साड़ा हो जाना गर्क सुम्मा सम्मा फिर आपने ना लै लै के आख्या अल्लाह मारा कब अभी जहल व रै कब उत्बा तब ने रबिया व शहबा तब ने रबिया व वलीद इब्ने उत्बा व मैया बिन खलफ व उकबा बिन अबी मुयत व साहब फलम नफ़ सतवां मियां दे ना लिया से मेरे याद नहीं रहा वह दूजे तरह लिखा उलमा ने कुमारा से छे ना लै के आख्या इनू अल्लाह पकड़ी इनू पकड़ी और इन्हों चो ज्यादा जड़े काल अफवर लदी नफसी बेदई लकद रायत लदी नदर रसूल साहब सरा फिर करीब करीब बदल इबन मसूद रदी सर उस खुदा की कसम है जो अच मैदान है कि जेड़े रसूलों ने गिने से मैं सारे कुत्ते जड़े ना मरे हुए तो बुरे हाल ना फिर बदर के कुएं चो सिटे के वेखिया लाशा उन्होंने घसीट के उत्थे कर फिर खूब सिटिया गई तो हजूर ने सराहने खड़े होकर आख्या ओ फलानिया फलानिया ना लै के कि जेडे वादे मैं किए से तुम्हारा कि नहीं मनोगे तो हशरा होगा उन्होंने सच्चा पाया। हजरत उमर रज़ी ने आख्या यार सुनो तुम इन्हें लाशा ना गल्ला करते जिन्हें जान ही नहीं पर मैं खुदा की कसम तुहाड़े तो ज्यादा सुन रहा मगर हुण बोल नहीं सकदा अल्लाह सुनवा रहा इन्होंने इन्हों के दिल चने दे अंग लग रहा है कि नबी की मुखालफत करना खटिया की फिर तो जिस दिन आप ते ओझड़ी पई उदों ही फातिमा आई उन्हें लाया तद हजूर ने आख्या फातिमा दुख ना दो इन्हू दुख देना मेरा मैनू दुख देना
इसे तरीके जिल्द रह गई सतवीं जिल्द। जदों लोगों ने पूछा हजरत साल बिन साद कि साल है जदों रसूल सलम जख्मी हो गए, खवाद मुबारक खुद खुब गया, काफर ने गड़ा खोद दिया, आप दे दंद मुबारक शहीद उहद, आप दा खून किन तो कौन वो दिल बजाय वो दे रह गई, चलो कोई गल नहीं लभ ला। सतवीं जिल्द उहद दा बयान, हजरत साल बिन साद ने आख्या मेरे तो ज्यादा एदा गवाह कोई नहीं हुण दुनिया, मेरे सामने की गल है जिन्हें तोता से जो उस वे होया सी, उस वे हजरत फातिमा रसूला की बच्ची आई, हजरत अली जड़े ढाल जी होंगी वे जाके पानी लिया, फातिमा ने आपू तोता मगर खून नहीं रुके, खून वगदा जाए उस वे फिर एक बोरी लैके उस टाट न साड़िया, वो सवाह जी उस जख्म दिखी, फिर वह खून रुकया। उन्होंने आख्या उस वे मेरी अखा के सामने आ फातिमा आई से अपने आबे की मदली हजूरों ने किया, और ये भी तुहाडे सामने इस जिले च कि अल्लाह दे रसूल दे सामने जदों मुकदमा आया मक्के, फातिमा मखजूमिया चोरी की, केस साबित हो गया, अपने आख्या हथ वट दौ, उन्होंने सिफारिश लभ ली हजरत उसामा नूं आख्या, रसूला उन्हें अपने पुत्रां तों वध जाणदे सी, जैद नूं बेटा बनाया उहदा बेटा सी, उहनूं वी किरान ते बिठाउंदे, उसामा छोटी उम्र दे सी, उन्होंने सिफारिश करती, हजूर नाराज होए और खुतबा दिता, तो उहदे च फरमाया तुहाडे तों पहलां दा बेटा इसे तरह ही गर्क होया ना कि वड्डे ने गुनाह कीता ते टालता, जिम्मे हम गल बना रही सहाबा की गल ना करो, वह सहाबा की ज्यादा करनी चाहिए, जिम्मे रसूला की बीवियों दोहरा आजाद है, इस तो उन्होंने गलत काम किया उन्होंने माफी ना दो, उन्होंने बयान करो क्या गलत काम उन्होंने किए, जना मत पाओ एड़ा दीन आता उन्होंने रियायत है कोई नहीं, मन गलत गल् करी कि बोलो उन्होंने बारे सिर्फ जुर्म च पाने चोर की दाड़ी में तिनका दीन कोई रियायत नहीं ना कि नबी की औलाद की दूसरी जुर्म किया बयान करो, कुरान भरे हदीसा भरी, अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिता उस वे कि हवाला दिता, अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम ने इस वे जो आख्या कि फलाना भी चोरी करे कौन लब्बा हजूर नूं, जिस इमाम इब्ने हजर हजर खुद फरमाउंदे आ कि जे फातिमा तो किसी का दर्जा उच्चा होंदा तो रसूला उहदी मिसाल ना दिंदे, आपने उस खुतबे च आख्या कि अगर वायमुल्लाह लौना फातिमा बिनत मुहम्मद सरकत लकता मुहम्मद यदा 6788, कि अगर मुहम्मद की बेटी फातिमा ने शादी की ना मुहम्मद तो वड्डा कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फातिमा तो वड्डा नजर आया, आपने फरमाया सब तो टुकड़ा तो मेरा जलदा है ना, अगर फातिमा बिनत मुहम्मद भी चोरी कर दी तो मुहम्मद उसका हाथ काट दे, तद इमाम लिखता वफी है माजदुल्लाना फातिमा अलैहि सलाम मिंदा बीहा अलैहि सलाम की आदम अल मनाज, इस किस्से चो पता लगा 96 और ये जिल जी बारहवीं फतल बारी हदीस की शराह कर इमाम अलैहि सलाम लिखता जी क्यामत लियांदी है कि तुम अली अलैहि सलाम कह दें पागल दो बच्चो पढ़ो हदीस किताबा जिथे हसन हुसैन दार अली का जिक्र आता इमाम बुखारी अलैहि सलाम लिखता, तुम कौन से वे नेक एडा छोटा जहा बच्चा रसूला का फात हो गया इब्राहिम वो ना लिखा इब्राहिम अलैहि सलाम, ये रसूला के खानदान का एक इम्तियाज है, ये तुम्हें की तकलीफ है, तो लिखते इस किस्से चो पता चल रहा अन्ना फातिमा अलैहि सलाम मिंदा बीहा क्या मेरे मनाज कि फातिमा अपने बाप के नजदीक बहुत उच्चे मुकाम पर है, तदे आपने फरमाया कि फिर किस्सा इशारा ऐलान न लगाया तो चीज आ रही कहता, इस किस्से चो हर आदमी नजर आन दिया ऐलान कर रहा किस्सा कि फातिमा इस बारे हजूर के नजदीक बहुत बुलंदी थी, तब आख्या भी होर तो छोड़ो हाँ फातिमा बिन मुहम्मद ने भी चोरी की होंगी तो मैं वह कट दें हथ कट दें, आ दूसरी जगह भी फरमाया समझो 95 वैन नामा खसा सल्ला फातिमा तो इबना हू इबना तो जिक्र लिया, अल्लाह ने सारे छड़ के चाचे भी है थे उन्होंने औलादा है थी, खास करके जो जिक्र फातिमा का किया लिया जवाहलेंदा अल्लाह के रसूल के नजदीक अपने सारी नसल चो फातिमा जी से दर्जा सब आप अजीज सी महबूब सी इशारा कर दिता तुहाडे सामने, और हुण जिवें इकबाल आंदा नजम लिखी ऐ औरतों सुनाना चाहिए बड़िया वो मां भी खदीजा आ गई थी नहीं किसी का हवाला नहीं, उन्हें आख्या मादरान राव सवाए कामिल बतूर, ये मुसलमान औरतों अगर नमूना चाहदियाँ मर्द के बाप न वेखन और उम्मत की औरतों फातिमा वेखन, मुसलमान औरतों की फातिमा नमूना है मदर आए तस्लीम ला हासिल बतूल, आंदा जे इस्लाम समझिए ना एक बीज बोया तो जी खेती उस निकली फल वह ना फातिमा, हजूर ने अपनी गोद जरा तैयार करके उखाया ना योजना बना आया आंदा फातिमा, और है कि सी आसिया गर्दानो लब कुरान आदब परवरदा है सबर और बड़ी तारीफ की थी, आंदा तुम समझे फातिमा औरतों की गौरव से रसूल पाले अपनी गोद आदब परवरदा है सबर और
जिन्हों अल्लाह के रसूल ने पालिया तो सबर और रिजाज पालिया। खुद हजूर की जिंदगी भी ऐसी सादा गुजरा, दौलतों के ढेर लोगों को वंटते आप कर गया था लाल बीवियों ने पूछना आखिर रब का ना ही। हजूर ने सादा जिंदगी बिल्कुल सादा दे कमरे रोते इमाम इब्न सईद आंदे जे जालिम बनी उमैया अपने जुर्म छपाउण लई मस्जिद नबी बनाउण दा बहाना बना के हुजरे ना टाउंदे ते क़यामत तक दुनिया नूं विखाउंदे कि जिहड़े नबी होण शाकिया ना मुरादो गरीबी दा ज़माना दे रहिंदे जदों हुकूमत दे कब्ज़े सी और सारी दुनिया नूं दे रहा सी उदों किहड़े कमरियां च रहिंदा सी। सिर तां सिद्धा करिए ते छत नूं वजे ते लत्त च लम्मी कर इहनां च कमरियां च रहिण वालिआं नूं तुसीं बदनाम करदे सी कि उह बदनीयत सी। तौबा 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 उहदे इखलास दा कुछ वा मर मदीने शरीफ की तारीखा पढ़ो जिन्ना लोग उसने रवाया जिन दिन हजूर से हजरे टाए कभी भी नहीं छोड़े। उन्होंने कहा यार इन्होंने दालमन निशानी मिठाती है तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ने भी आदम परवरदा है सबर और रिजाज हजूर ने पालिया सबर और रिजाज बेटा ना दुनिया ना कोई माल। बच्ची ने एक बार आके किताब दावाद चो पढ़ना तुम के आख्या अब्बा जी हूँ लौंडियाँ गुलाम आ गए बड़े मैनू भी एक लौंडी दे दौ हाथों छाले पै गए आ मशकों के दा निशान पै गए हर वेले मैं मशक धोनी हाँ पानी की आ पूरा चक्की फेरनी। पैगंबरे खुदा ने आख्या बेटी असाबे सुफा का मैं बंदोबस्त कर दे तेनों मैं चंगी शह दस देना तू चली जो बिस्तरे से लिटिया करो 33 बार सुबान ला 33 बार अलहमदुल्ला 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया। दोवें ने नारा मारिया कि अल्लाह के रसूल असी राजी हाँ राजी राजी तद तस्बीह फातिमा तो उत्थे ही मौलाना शिबली आंदा वेख्या रसूलल्लाह दे खानदान दा मशी मईशतर रहना सहना किहो जी जिंदगी बेटी गुजार रही थी शहजादी उम्मत दी जन्नत दी औरत नहीं गरीबी है मस्कीन आदब परवरदा है सबर और रिदा आसिया गर्दान लब कुरान सरा चक्की फेर रही होंगी तो कुरान पढ़ रही हुसैन गोद त्या आज फरमाया एवं हुसैन की मां बनी जो दुनिया के सामने आया सारी दुनिया ने रोकिया तो भी जानता सी खतरात ही खतरात मगर मैदान च आ गया। उन्हें आख्या वक्त अंदर बहन का ऐसे नजरिया जरूर के तहत आराम ना बह जाइए ये हुकूमत करते रहने तो लिखे ही जाना भी ठीक ही हो रहा यह लिख दिता जाए कि गलत पटड़ी है इस्लाम नहीं है ना कोई इस्लामी हुकूमत करते रहन असी रोक नहीं सकते और बरकत या ब्याज अहले सुनत अहले हदीस देवबंदी एक भी नहीं जरा कह कि यजीद और बाबा मना खिलाफ तेरा तौबा सब मनते कि मुल्क अजूज थी बादशाह से दुनिया के बादशाह का तरीका से इमाम हुसैन की ना की बरकत और चीफ जस्टिस ने लिख दिता कि गलत है यही दीन कर दिया तो कई पैक कर दिए। मौला मंजूर रमानी एडे वे तबलीगी आप लिख दे कि यार रसूला दी हदीस ने वाजे करता कि 30 साल खिलाफ है बाद नहीं आंदे जिन्ने बाद है ना नहीं डरते रहेंगे अमीरे माविया तुझे सारे की तरह हुकूमत जी है बादशाह की महल है रेशम है सोने चांदी है कोई खुलाफा आदत माना नहीं है यानी इमाम हुसैन की ना की बरकत है वरना मोहर लगती जानी सी भी ठीक ही हो रहा यार कोई भी नहीं सी बोलिया बोले और इतने बस एक पढ़ दिया कि फातिमा किस तरह चक्की पीती सी रसूला जो गए की वेख के क्या पढ़ना क्योंकि ये ईमान ताजा होंगे फातिमा का पता चलता एवं नहीं इकबाल गरीब रोन दिया आदम परवरदा है सबर और रिदा आसिया गिरदान लब कुरान सरा अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलाम जानते हैं और वेखते हैं फातिमा का हाल है उस नबी अलैहि सलाम ने जो फरमाया उसका जिक्र कर दी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने वेख के इस हाल ना चक्की पीती भी वह हवाला पता नहीं अगे पिछे हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम गए हजूर ने वेख्या बे हजरत हुसैन ने पुस्तान मुँह च लिया वो दुध चुंघ रहा बच्ची चक्की पी रही कुरान पढ़ रही अल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलाम दे आंसू जारी हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख के हाल किया कि बेटा फातिमा कोई गल नहीं है दुनिया फानी है मैं तुम्हें ऐश करवाना चाहता थोड़े सामान से मेरे को मगर मैं अपने खानदान में इन्हें आयाशियां नहीं पाना चाहता कि तू इस गल से राजी नहीं कि मेरे रब ने मेरे से उतारता वाला सौ फयोती कर बुका उतर जो फिक्र ना कर असी तेन इतना कुछ देंगे भी तू खुश हो जाए इस तो मैं खुश बेटा की होना जो मेरी औलाद से एक भी दो दसा मैं तुम्हें जन्नत लैके बढ़ूंगा ये कोई गल नहीं चक्या जी दिन तद इकबाल आंदा आदब परवरदा है सबर और रिदा आसिया गिरदान लब खुरान सरा उधरों हाथ जरा चक्की पीवे जुबान कुरान पढ़े तो बेटे नूं दुध दे रही हो पसीना चलता हो अल्लाह का रसूल इस मौके से कवे फिक्र ना कर तुहाडे लई जो कुछ अगे तैयार रब ने किया बहुत इदां ही की फातिमा रज़ी ने इस तरह जिंदगी गुजारी परवाह नहीं की दुखिया कि सोखिया इस दुनिया की माल पर नजर भी नहीं उठा के और ते आखिरी शेर लिख लो इकबाल आंदा रिश्ता है आईने हक जंजीरे पास ए खुदा का कानून शरीयत
मेरे पैरों की बेड़ी है, रोक दिया कि इकबाल काम नहीं करना। अल्लाह ने मना किया, रिश्ता है आई ने हक जंजीरे पास, पास है फरमान है जनाब मुस्तफा। ते मुस्तफा भी कह गया सजदा नहीं करना, तवाफ नहीं करना, वरना गिरदे तुरश गिरदीर ने। हाँ रब की कसम मेरा दिल चाहता वे लोग काबे का तवाफ कर दे, मैं फातिमे की कबर से गिर फिर, वरना गिरदे तुरबत गिरदीद में सजदा है बरसा के उपासीद में ओरी मिट्टी ने सजदे कर। वो कोई आदत हुई है? हजूर ने जन्नत की औरतों की सरदार क्या दें, कोई रहती कहता नहीं फरमाया। और यह आखिरी वक्त क्या, यह भी वफात दे हालात पढ़ना। अल्लाह के पैगंबर जो दुनिया छड़ रहा थी, अम्मा ऐसा रही फरमाती कि मैं कोल बैठी हाँ, फातिमा आई तो अल्लाह की कसम फातिमा की चाल बिल्कुल वही थी जी रसूल की चाल, उदा ही कदम उठाती थी उदा ही रखती, तो बिल्कुल बोलना भी गुफ्तगू अपने आपे की आई। हजूर ने नेड़े किया रो पे, फिर नेड़े किया फिर अस पे, तो मैं सोचा और जी बेवकूफ है हूने रोंदी सी हूने अस पी। बाद मैं पूछा फातिमा की गल, आख्या नहीं मेरा और अब्बा जी का राज है नहीं दसा। बाद फिर इमाम बुखारी फिर आदि अम्मा ने आख्या बेटी मैं मां है, मां हूं मेरा पर हक है, मैनू दस क्या। पहली गल हजूर ने आखी बेटा इस बीमारी तो मैं नहीं उठा, यह आखिरी बीमारी है, मैं दुनिया छड़ गया रो पे। फिर हजूर ने जो नेड़े करके आख्या फरमाया दो गल्लां सुन ला, एक ते सारे मेरे खानदान चो तू पहला मिलेगी, तेरा मेरा विछोड़ा बहुत थोड़ा, तू अन करीब मेरे पिछे आ रही, तो दूजी इस गल से तू नहीं खुश हो जल्दी कि तू जन्नत दी औरतों की सरदार है। इस पारों पई हूँ असं या तो सही बुखारी दरियाज बहा दईए, तो बेदीन तो मुनकरे हदीस हो जाइए, जिन्हों दल्ला सुनीए, यह यजीदीयत और नासवी जिन्हों मुबारक है, यह ना साडे वड्डियां दा किसी दा मजहब दसण आया दे सुनदा बिल्कुल झूठे है। शीयां नाल वैर दुश्मनी जी अपनी जात रखते रहो, मगर तौबा रसूला दी आल नाल दुश्मनी ना करो, इमाम शाफी दे मगर लग जाओ। आल उन नबी ए जरिया थी वहमू ए लह वसीला थी, रसूला दी आल मेरा वो जरिया है, मेरा वो वसीला है, जिद ना मैं नबी दे पेश होया तो ना आखना हाँ मेरे बच्चों ना मुहब्बत कर रहा है। अर्जू बे मौत अगलन बेदल यमीन सही फाफी, ऐसे मुग गल इमाम शाफी मनाकब शाफी पढ़नी बैकी फरमाते यो तो लोग आ, अर्जू बे मौत अगलन जिन्हों की उम्मीद है मैं इन्हों की मुहब्बत ने मेरा बेड़ा तारना कि कल मैनू मिलना है। बेदल यमीन सही फाफी लोगों खब्बे हथ बेईमाना मिलने नामा माल मैनू रब ने सजे हथ फड़ा दे, तू हले बैठता मैं अर्जू बे मौत अगलन बेदल यमीन सही फाफी। तो अल्लाह फजल फरमाए इमाम हुसैन का तस्करा कोई ना समझे भी मैं कोई फैशन है, मेरे रूह रूह च कह मैं जानना रमज कुरान हुसैन आव लोगों दे भी हुकूमत से थोड़ा ने इन्हों कौन समझा भी कुरान की तफसीर ही उदन हुई कि अल्लाह मन का माना कोई नहीं कि जालम हुकूमत करते रहने तुम बैठे रहो। तौहीद ला इला इल्लल्लाह कहता कि सिवाय अल्लाह के होर किसी का कानून क्यों चले। रमज कुरान हुसैन आवैन ज्याद से उशोला फरोख ने इंशाअल्लाह अगे खुतबे कई आ रहा है उन्होंने अंदर बयान होगा। अज इस पारों के पूरे बतूल है फातिमा का बेटा, फातिमा भी हिस्सा देना चाहिए रज़ी अल्लाह तआला ना और